हेलो दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर भी आपका सारा डेटा ख़त्म कर देता है और आप विंडोज 10 के ऑटोमेटिक अपडेट फीचर से परेशान हैं और इसे बंद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज 10 के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट फीचर को कैसे बंद कर सकते हैं और इसको बंद करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, विंडोज 7 और विंडोज 8 के अंदर विंडोज अपडेट बंद करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था जिसकी मदद से आप इसे बंद कर सकते थे, पर विंडोज 10 के अंदर इस तरह का कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप विंडोज अपडेट सर्विस को बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करता रहता है और आपका डेटा ख़त्म कर देता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज को बंद करके अपना डेटा बचा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद जो बेल आइकन मिले उस पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, विंडोज 10 के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट कम्प्लीटली बंद करने के लिए आपको दो सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करें सर्विसेज, और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी जिस पर डबल क्लिक करके आप इसको स्टार्ट कर दें। दोस्तों, यहाँ पर आपको विंडोज़ के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी की लिस्ट दी हुई है और उसका स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमें जो पहली सर्विस बंद करनी है उसका नाम है विंडोज़ अपडेट, और ये आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विंडोज़ अपडेट नाम से एक सर्विस दी हुई है। इस पर आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करें। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है स्टार्टअप टाइप। दोस्तों, इस स्टार्टअप टाइप के अंदर आपको डिजेबल्ड सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दें। इससे मेरी सर्विस हमेशा के लिए बंद हो गई है। बाकी पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ था, मतलब कि ये सर्विस अपने आप अपने हिसाब से स्टार्ट हो जाती थी। इसके बाद दोस्तों, आप सर्विस का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर सर्विस का स्टेटस मुझे दिया हुआ है रनिंग, तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके मैं इस सर्विस को अभी बंद कर सकता हूँ। अभी मेरी सर्विस बंद है और मैंने इसको ऑटोमेटिक स्टार्ट भी बंद कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों, जो सेकंड सर्विस हमें बंद करनी है उसका नाम है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस को सेलेक्ट किया हुआ है। इस पर आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टार्टअप टाइप यहाँ पर ऑटोमेटिक लिया हुआ है। इसे पहले आप डिजेबल्ड सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों, इसका स्टेटस आप देख सकते हैं, इसका स्टेटस भी यहाँ पर रनिंग दिया हुआ है, तो मुझे इसको बंद करना है। स्टॉप पे क्लिक करके मैं इसको बंद कर सकता हूँ, और ये मेरी दोनों सर्विस अभी बंद हो गई है। आप इन दोनों का स्टेटस हमेशा चेक कर सकते हैं कि ये डिजेबल्ड है और अभी रनिंग में नहीं है। इसके अलावा आप विंडोज़ अपडेट सर्विस का भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि ये भी अभी डिजेबल्ड है और रनिंग में नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप विंडोज़ अपडेट और जो बैकग्राउंड में डेटा कंजप्शन है उसको कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। और दोस्तों, विंडोज़ 10 के अंदर ये दोनों सर्विसेज कुछ टाइम के बाद अपने आप चालू हो जाती है, तो आप कुछ टाइम बाद अगर आपको लगे कि आपका डेटा बिना किसी यूज़ के कंज्यूम हो रहा है तो आप इन दोनों सर्विसेज को आप आके चेक कर सकते हैं और इनको फिर से बंद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली में शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी आती है इसको करने में या फिर इसमें कोई दिक्कत आपको आती है तो आप नीचे उसको कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।